जो है उनकी एनिवर्सरी भी है, इतना अच्छा बॉन्ड वो सबके साथ शेयर करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? इसे मैं हमेशा कल्याण जरा को देखता हूँ कि इसको मैं तब से जानता हूँ, ये स्ट्रगल पीरियड में था, लेकिन इससे बहुत कम समय में लोगों के साथ मिलकर उनके दिल को जीत कर आगे तरक्की की है, और हमेशा ये एक कदम आगे रहता है हर चीज़ से। अवार्ड करवाना या लोगों को जोड़े रहना आज के ज़माने में आसान काम नहीं है। किसी भी बड़े सेलिब्रिटी को घर से बाहर निकाल के अपने फंक्शन में बुलाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये पट्टा जो है बड़े आसानी से कर जाता है। इसको इसी बात के लिए एक अवार्ड देना चाहिए, इसको भी एक अवार्ड देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कल्याण जाना को बहुत शुभकामना, और खासकर आज सेलिब्रेशन है, वेडिंग एनिवर्सरी है ना, बर्थडे भी और एनिवर्सरी भी, तो दोनों की कितनी खुशी की बात है कि आज मतलब वो पैदा खुद भी हुआ और एज ए पति भी पैदा हुआ आज, मतलब पति भी आज ही बना। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों चीज़ों के लिए शुभकामनाएं, क्योंकि नारी शक्ति इसके साथ में बहुत है। ये जब से इनके जीवन में पत्नी आई है, पत्नी ने बहुत सपोर्ट किया, अब उनकी बेटी बिटिया जो है वो जब से आई है ये दिन ब दिन गाड़ी ले रहा है, कहीं बंगला ले रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो तरक्की होती जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि तरक्की बढ़ती रहे, खूब कामयाब हो, और जैसा एक ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहा है आगे भी करता रहे। सर, ये चाहूँगा कि इनकी जो कहानी है फर्स्ट से लेकर बर्थ तक है, फर्स्ट से लेकर हर्ष तक है, तो रैश टूचर जो स्टोरी होता है कितना सूट करता है इन पे? सर आपसे उसी क्या बोल रहे रैश टूचर जो स्टोरी होता है किसी भी फील्ड में, तो इनका जो कहानी है कल्याणी जाना कितना प्रेरणादायक है? बहुत प्रेरणादायक है, क्योंकि कचरे से कचरा चुनने से इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये जानता है कि कचरा क्या है और असली चीज़ क्या है, कचरे के अंदर की रोटी क्या होती है, कचरे में भी रोटी होती है, वो कैसे निकाली जा सके। तो मुझे ऐसा लगता है दुनिया में ये आदमी इंसानों की परख रखता है। दुनिया अगर हम टोटालिटी में देखा जाए अच्छी बुरी है, तो उस बुराई में से भी अच्छा ही निकला जानता है। तो ये मुझे खुशी की बात है, और यही ये जिए हज़ारों साल, यही अरमान है सुनील पाल के, और हर साल कराता रहा ये अवार्ड दादा साहब फाल्के। जी सबसे पहले तो मैं ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा कल्याण जी जाना को। आज डबल सेलिब्रेशन है, बर्थडे भी है, एनिवर्सरी भी है, उसके लिए एक बार मैं ताली बजाना चाहूँगा, और मुबारकबाद देना चाहूँगा जिस तरीके से कल्याण जी जाना दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। और जैसा पॉल भाई ने बोला कि अच्छी बात क्या होती है इंसान की कि ऊँचाई पर पहुँच के भी ज़मीन से जुड़ा रहे, वो बहुत अच्छी बात होती है। वो इंसान क्या है, वो जिसकी जड़ें, ऐसे इंसान की जो जड़ें मजबूत रहती हैं, जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं, वो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो दरख्त कैसा निकलता है। तो एक बार फिर से मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और यही कहूंगा कि आगे बढ़ते रहिए और जीवन में तरक्की पाते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। क्या कहूँ कल्याण जी बारे में, कल्याण जी भाई जब से मैं उनको देख रहा हूँ, शुरू में जैसा था वो आज बड़े बहुत तरक्की के लिए आज भी वैसे ही है, और ऐसे लोग हमें बहुत पसंद आते हैं, उनसे जुड़े रहना चाहता हूं मैं हमेशा, क्योंकि वो आज भी कहीं भी जाता हूं, जैसे सुनील भाई ने बताया कि बड़े से बड़े एक्टर को घर से निकालना, उनकी ज़बान इतनी प्यारी है, इतनी मीठी है, उनका प्यार ही खींच लाता है हर लोगों को। जैसे आज हम आ गए, सुनील भाई हम जब रास्ते में आ रहे थे बोला चला जाए यार, आज उसको सरप्राइज़ दी जाए, और वाकई में बहुत बड़ी सरप्राइज़ दी थी सुनील भाई ने उनको, क्योंकि जो मन मुटाव होते हैं हर हर दोस्तों में होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि प्यार बढ़ता है, और आज जो प्यार बढ़ा है मैंने देखा कि किस तरह से कल्याण जी भाई आपको दिल खोल के प्यार करते हैं, और भाभी जी जो हमारी है जब से उनकी ज़िंदगी में आई है तो भाई की तरक्की हो रही है। तो मैं तो चाहता हूँ कि नारी शक्ति हमेशा सब पे भारी होती है, जिसके पास नारी शक्ति है उसी के पास सारी शक्ति है, बिल्कुल ये सच बात है। सेम स्टोरी मेरी भी है, जब से मेरी शादी हुई, जब से मैं मेरी वाइफ मेरी लाइफ में आई है मेरी डॉटर, तब से वाकई में एक मैं भी धारावी से इस यहाँ पर आया हूँ मैं, और खासकर तो, मैं बता दूँ वीआईपी के लिए आप सब दुआ करिए कि इनकी जो सुपुत्री है ध्वनि पवार, मिक्का दी वेडिंग जो प्रोग्राम चल मिक्का का स्वयंवर, मिक्का दा स्वयंवर में बहुत अच्छी कंटेस्टेंट है, मिक्का दी वोटी में बहुत अच्छी कंटेस्टेंट है और बहुत अच्छे नंबर पा रही है, क्या पता कि हो ही जाए शादी मिक्का से। तो मैंने कहा जैसे ही मिक्का से शादी हो जाएगी तू एक काम करना, घर दामाद तो बहुत बार देखे तो घर ससुर बन जाना। नहीं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब जब किसी को अवार्ड मिलता है तो उसकी उसको एक ऐसा लगता है कि भाई अब हमें कुछ और करना है, कि मुझे इस काम में मिला है तो अगले साल और मेहनत करूँ ताकि वह दोबारा मुझे मिले।
तो ये बहुत अच्छी बात है। और देखो तरक्की देखिए, दुबई में कर रहे अब तो मेरे भाई, दुबई में जितने भी शेख मिलेंगे उनको मेरा सलाम बोलना, क्योंकि मैंने दुबई में बहुत समय निकाला है। क्योंकि सब जा रहे हैं, सुनील पाल भी जा रहे हैं, वीआईपी भी जा रहे हैं, बोले हम उस समय अमेरिका में होगा, बोले अभी भी 27 को नहीं होगा, 27 अब नहीं है। मुझे बोले कल्याण जी जाना कि मुझे दुबई सर आपको चलना ही है, बोले क्यों, बोले लोग खजूर से बहुत प्यार करते हैं। नहीं अच्छी बात है और बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे हो आप, थैंक यू सर। और सभी कलाकारों की आपके साथ ब्लेसिंग है, थैंक यू सर। गुरु जी की ब्लेसिंग है, सभी हमारे भाई जितने यहाँ पे सब की है, आप लोग की ब्लेसिंग है, तो ऑल द बेस्ट मेरे भाई, थैंक यू सर। और पिटिया को ढेर सारा प्यार देना, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं कल्याणी के बारे में इतना ही बोलूँगा कि वो दिल से बात करता है, चूँकि दिल से बोलता है तो डायरेक्ट दिल पर ही लगती है, तो यही सबसे बड़ी खासियत है। और दोनों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप ऐसे ही तरक्की करते रहें। मैं गिफ्ट आज यही दूंगा कि आने वाली फिल्म में बहुत जल्दी एक्टिंग कराऊंगा। उसके बाद गिफ्ट कुछ नहीं, कलाकार मेरा भी बर्थडे सर। और इनकी फिल्म को भी अवार्ड दिया जा रहा है, उनकी जो मेन हीरो है, हमारे सबके प्यारे गुरु है मास्टर जी, उनको एज ए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया काम किया मास्टर जी, बहुत बहुत बढ़िया उनके लिए। और इनको दिया जा रहा है आइकॉनिक डायरेक्टर का अवार्ड, क्योंकि ये बेसिकली आइकॉन है, जिस तरीके से ये फिल्म को बनाता है, जिस तरीके से रिलीज करके उसके बाद जो हंगामा मचाते हैं पूरी दुनिया में, तो माइंड ब्लोइंग। और इनकी जो प्रोड्यूसर है वो दुबई में है, उनको दिया जा रहा था अपकमिंग प्रोड्यूसर, क्योंकि उन्होंने पहला फिल्म दिया और पहला फिल्म सुपर हिट दिया, तो ऑलरेडी वो दुबई में है मेरे साथ में मेरे भाई। और गुरु जी और सर, हमारे जिनको हम रोज़ देखते हैं टीवी में, वो हमारे बीच में, जो बोलते हैं ये यूनिवर्सिटी है, ये सब जो है यहाँ पे जो खड़े हैं, इन लोग यूनिवर्सिटी है, हम तो उनका बच्चा है, हम लोग उनका टीचर, मतलब वो टीचर है, हम उनका चेला है, स्टूडेंट्स है, तो यूनिवर्सिटी जब बात करेंगे तो हमें सुनना चाहिए वो बात, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। सर प्लीज़, मैंने बहुत कुछ बोला है, और एक बार फिर से बोलता हूँ, ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू गुरु जी। आज कल्याण जी जाना को हम देख रहे हैं, मुझे वो दिन याद आ रहा है कि ये फूल बेचा करता था, तब कहीं मालूम नहीं होता था कि कल्याण जी जाना बनेगा और इतने दुबई में अवार्ड करेगा। इन्हीं का एक पिक्चर बना था, हर बात तो इन्होंने पिक्चर में काम किया था, और वो जब पिक्चर रिलीज हो रहा था मैं उस चीज़ को देख चुका हूँ। ये रात को 2 बजे अपने खुद के पिक्चर का पोस्टर ये खुद ही चिपका रहा था दीवारों पे। ये आदमी आज दुबई में जाके इतना बड़ा शो करेगा, ये उस समय ना किसी को मालूम पड़ा होगा। जब ये हमारे आश्रम में आए थे, मुझे बोले कि मुझे पास पैसा नहीं है, मेरे को शूटिंग करना है, तो मैंने बोला आप पहले बात तो ये जेब अपने मुँह से निकाल दो कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये बोलो कि मुझे शूटिंग करना है, ये आश्रम आपके लिए खुला है और आप बिल्कुल शूटिंग कर सकते हैं। ये साईं बाबा आश्रम हमारे मलाड़ में है, और साईं बाबा की दया से काफ़ी अच्छा बना हुआ है साईं बाबा आश्रम। और आज भी हमारे यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, गुरुवार के दिन मैंने बाबा को अपना वचन दिया है कि कितने भी लोग आए, कितने भी बीमार हैं, बाबा के मैं आज सच कहता हूँ, क्योंकि आज सामने बात कर रहा हूँ, वहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है गुरुओं को मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, पर आज मैं क्लियर बता देता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मेरे साईं बाबा पीछे हैं, ये लोगों को दिखते नहीं हैं। साईं बाबा अगर दिखते तो शायद लोग मेरे पास में नहीं आते हैं, तो साईं बाबा दिखते नहीं हैं, और भला होता है कि वो मेरे पाँव पड़ रहे हैं तो भला उनका होते जा रहा है, क्योंकि पीछे बाबा कर रहे हैं। और उसी समय जब इनका शूटिंग हो रहा था तो अंकिता थी, जब मैंने धीरे से, क्योंकि गुरु हूँ, मन की बात थोड़ी जान लेता हूँ, तो मैंने थोड़ा बाजू में देखा कि अरे ये भाई, तो मैंने बोला चलो जल्दी से इन दोनों की शादी हो जाए और ये तरक्की में आगे बढ़े, क्योंकि बीवी आएगी तो तरक्की आगे होती रहेगी, और दिन ब दिन इनकी तरक्की आगे होती रहे। मैं तो गुरु जी क्या बोलूँ, पर साईं बाबा की तरफ से मैं इनको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, बहुत 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 ये आगे बढ़े, और जीवन में आज हम मिले हैं, दोबारा ऐसी जगह हम लोग मिलेंगे कि इनको खुद को बहुत बड़ा अवार्ड मिले और हम लोग वहाँ पे आके बात करेंगे। धन्यवाद। ये अल्लाह तक अनाज लेके जाता है, दवाई लेके जाता है, कोरोना काल में मैंने इनसे सीखा है बेसिकली, ये इंसान और एक यहाँ पे बैठा है गौरव शाह, इन दोनों ने शुरू किया था, तब मैंने अपना अनाज देना शुरू किया, इन दोनों से मैं सीखा हूँ बेसिकली, और एक हमारे सलमान अहमद जी हैं, उनसे मैं सीखा हूँ। ये तो कोरोना अभी आया है,
ये 365 डेज भागते हैं लोगों के लिए, मालवनी का ऐसा कोई गली नहीं है, कोई पट्टा नहीं जिसमें वहाँ पे अनाज नहीं दिया है। तो प्लीज नगर साहब, सबसे पहले मैं कल्याण जी जाना और अंकिता भाभी को जो है एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और दूसरा बोलना चाहता हूँ कि कल्याण जी जाना एक ऐसा आर्टिस्ट है जो बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों को तो लोग वेलकम करते हैं, मगर इन्होंने ऐसा काम किया है जो कोरोना काल के अंदर इनके साथ जाता था, जो बैकग्राउंड आर्टिस्ट है जो उनके घरों में खाना नहीं था, हमने जाके हमारे हाथ से हमने खाना पहुँचाया है, ये ऐसा शख्स है कि उनका उनके बारे में सोचता है। आज किसी फिल्म एक्टर ने ये सोचा नहीं होगा कि भाई कि हमारे पीछे जो मेरे बैकग्राउंड आर्टिस्ट जो मेरे पीछे थे लोग काम करते थे उनका क्या हाल होगा कोरोना के साथ, मगर एक यही शख्स है जिन्होंने उनके बारे में सोचा और उन तक खाना पहुँचाया घर घर जाके, और यहाँ से जो वसे विहार तक का जो आर्टिस्ट थे उनको जाके वहाँ के घरों में जाकर जाके पहुँचा है, एक ऐसे शख्स है ये। तो मैं इनको जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ और अल्लाह से भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनको और आगे बढ़ाए, तो दुबई ने बल्कि इंटरनेट तक का इनका शो जाए, लंदन तक जाए, बल्कि ऐसे शो करा करे और आगे बढ़े और तरक्की करे, बस ये शुभकामना इनको देना चाहता हूँ। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू जी बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद, लव यू ऑल। जितनी ज़बरदस्त शक्ति, नारी शक्ति, जो कल्याण जी जाना को जैसे कहा था ना, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, वो महिला यहाँ पर खड़ी है और कल्याण जी जाना को आगे बढ़ाने में जो सपोर्ट करती है, जो दुआएं करती है उनके लिए, हमारी अंकिता। अंकिता कुछ कहो आज, तुम जो आज जो बोल रहा हो बोलो, सारी पोल खोल दो। थैंक यू सो मच सुनीलपाल सर, आपसे बहुत कुछ सीखने मिलता है, सो थैंक यू सो मच। मैं आप सभी मीडिया कर्मों को थैंक यू बोलती हूँ, आप सबके आभार मानती हूँ, आप हमेशा यहाँ पे आते हो और आप हमें दिखाते हो इसलिए हम दिखते हैं, हम बनते हैं, सो थैंक यू सो मच। और यहाँ पे जितने भी गेस्ट आए हैं हमारे इस खुशी में हमारा साथ दिया है, उन सभी के मैं आभार मानती हूँ, थैंक यू सो मच, ऐसा ही प्यार आपका बना रहे हमारे ऊपर, ऑब्वियसली कल्याण जी के ऊपर, और आपकी जो बेस्ट विशेष है हमारे साथ वो हमेशा रहे, सो थैंक यू सो मच गुरुजी। और वाह क्या बात है, इसे कहते हैं पत्नी का सम्मान, जोरदार ताली इस बात के लिए, मगर ये दिखाना मत वरना लोग फिर हमारी पत्नी हमें कहेगी इससे कुछ सीखो कहाँ छू रहा है, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, बताओ तो मुझे छूने दो, बिकॉज़ ये मेरे पति बाद में है बट गुरु पहले हैं। शुरुआत हमारी, मैं इनकी शिष्य थी और ये मेरे गुरु थे, और वहाँ से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ना, तो इनका ही साथ है, इनका ही हाथ है, थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मुझे बोलना भी नहीं आता था बट इनसे मैंने सीखा, सो आप मेरे गुरु हो तो पैर मत पड़ो। आप एक स्टार हो, आपने गुण है, कला, बहुत अच्छे विचार अंकिता, बहुत अच्छे विचार अंकिता। मैं समझता हूँ कि जहाँ एक दूसरे का इतना सम्मान हो, एक दूसरे के प्रति इतना प्यार हो, वो घर स्वर से सुंदरी होता है, प्यारा होता है, तो इस घर को, इस परिवार को और आप सबको तहे दिल से शुभकामनाएं। मालिक करे आपका जितना भी आने वाला काम है उसके लिए यही दुआ है कि यहाँ जाओ या वहाँ जाओ, हम सब की दुआ है छा जाओ। हमेशा आती हो, इसको देख के दुख दर्द हो जाता है कैंसल, इसको देख के, इसकी स्माइल देख के दुख दर्द हो जाता है कैंसल, ऐसी हमारी प्यारी बहन का नाम है नेहा बंसल। थैंक यू गुरु जी, बैरू जी, गौरव भाई, थैंक यू सो मच, आप लोगों का साथ है इसलिए DPIF यहाँ पे है, सो आप हमेशा ऐसे साथ देते रहे और हमारा ये शो जो होने जा रहा है इंटरनेशनल, बस उसके लिए आपका आशीर्वाद, हमेशा हमारे साथ रहे, उसके लिए आशीर्वाद। सबने कल्याण जी के बारे में बहुत कुछ बताया, अब मैं ऐसा कुछ बताऊंगी जो किसी को नहीं पता। क्या बात है, क्या बात है, क्या राज खोलना चाहती है। सबने बताया कि इन्होंने अपनी मूवी के पोस्टर रात भर खुद लगाए, इन्होंने मेरी मूवी के पोस्टर भी रात भर अपने हाथों से लगाए। और दूसरी चीज, जब इन्होंने फर्स्ट मूवी बनाई थी ढूंढने की मंजिलम, जो मेरी भी पहली मूवी थी, पहली शुरुआत थी, तो उनको एक डर भी था कैसी जाएगी। इस थिएटर में हमारी मूवी लगी थी, सामने तमंचे लगी थी, तमंचे उतर गई थी और इनकी मूवी हाउसफुल। ये गवाह है, ये गवाह है एक ऐसे प्यारो संजय भूषण पटियाला, ये साथ में था। yes, yes. सही बोला, तमंचा उतर गया था और हमारा फिल्म लगा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर हम लोग जाके सबको नमस्ते करते थे, प्लीज आइए, मेरा ये भी गवाह है, शिवा भी गवाह है। तमंचा में कौन था? और सुनिए अब जो मेरी फिल्म आने वाली गाली गलोच, उसकी पोस्टर आप लोग लगाना।
शूट हो चुका है, गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है और जैसे ही सितंबर अगस्त सितंबर में ये फिल्म चिपकेगा। इसलिए नहीं, इसलिए नहीं कि इनको मैं काम पे लगाना चाहता हूँ, क्योंकि इनका शुभ होता है, जिसका ये पोस्टर हाथ से लगाते हैं वो फिल्म हिट हो जाती है। लेकिन मेरे ये इतना मतलब मेरी मर्सिडीज के बाहर गुरु जी का पीछे जो मेरा ये पोस्टर रहेंगे, क्योंकि मैं दुनिया में घुमाएंगे और ये मैं जितना हो सके मैं गुरु जी के लिए करेंगे, क्योंकि गुरु जी ने तोहफा दिया है मेरे बर्थडे पर। थैंक यू वीआईपी, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। वीआईपी जी कहाँ चले गए? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ त्रिशा प्लीज 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 प्लीज। सबसे पहले सभी दर्शकों को, जो भी जितने सारे चैनल हैं सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं वालिशा अली खान एंड कल्याण जी जाना, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि बंगाल से है, मुझे बाद में पता चला, एंड खूब भालो छेले, बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है। और एक्चुअली जब मैं पहली बार मिली थी, मैं बॉम्बे आई थी 2014 में, तो शायद 2015-16 में इनसे मुलाकात हुई थी, मतलब 2014 में दो लोग आए थे, मोदी जी और ये उस समय और इस समय में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया इन्होंने, बहुत तरक्की किया है, और मेरी दिल से दुआ है आप जिस तरह से बंगाल का नाम रोशन करें वैसे पूरे दुनिया में नाम रोशन करें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कैसे संयोग से चुना गया है, ये माता पिता का कितना बड़ा आशीर्वाद है कि नाम रख दिया गया कल्याण जी। और कोरोना काल में सभी गरीब कलाकारों का कल्याण किए और सारे बड़े स्टारों का भी अवार्ड दे गए कल्याण करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज इनका अवतरण दिवस और वैवाहिक वर्षगांठ की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, क्योंकि ये दोनों संयोग एक दिन आज मनाया जा रहा है, भले इनका 19 तारीख का एनिवर्सरी है और 22 तारीख को जन्मदिन था, लेकिन आज दोनों को मिला के कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है और इतने लोग इकट्ठा कर रहे हैं, साधारण बात नहीं है। हमारी दिल से शुभकामना है, दिल से बधाई है, ये जिए हजारों साल और ये इनकी जोड़ी जो है आजीवन ऐसे ही चमकती रहे और फलती फूलती रहे। और ये अवार्ड का जो फंक्शन, जो सबसे बड़ी बात है कि मैं मुंबई में आया था, मैं कल्याण जी को जानता नहीं था और पहला अवार्ड इन्होंने मुझे भी बिना जाने पता नहीं कैसे ढूंढ लिया और पहला अवार्ड इन्होंने दिया जो मुझे जानते ही नहीं थे और मैं भी नहीं जानता था। मुझे बुलाया गया कि आप यहीं कांदीवली में शायद आया और उसके बाद फिर अवार्ड का सिलसिला चालू हो गया, जिसमें कल्याण जी मुझे किसी भी अवार्ड फंक्शन में छोड़ते नहीं हैं और इनके चलते बाकी बहुत सारे अवार्ड मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये एकदम मतलब फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचना ये साधारण बात नहीं है, ये हार्ड नट टू क्रेक, मतलब लोहे का चना चबाए हैं। और कहा गया कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, मतलब जिंदगी जो है फूलों की सेज नहीं है, कांटों का बिछाना है। कल्याण जी से कोई सीखे, एक साधारण व्यक्ति आज सबको अवार्ड दे रहे हैं और दुबई में जाके दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड देना, ये साधारण बात नहीं है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत लोग हैं। थैंक यू, धन्यवाद एक बार और फिर से इनको दिल से बधाई, दिल से हार्दिक शुभकामना। थैंक यू। देखो दो दो शब्द की बात हुई थी, तुमने तो 400 शब्द बोल दिए। सबको नमस्कार, आदाब, और कल्याण जी जाना को, अंकिता जी को वेडिंग एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और कल्याण जी जाना को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लहरों में नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती। तो कल्याण जी जाना आपको बहुत सलूट है, बहुत सारा मान सम्मान जिस तरह से आपको मिल रहा है, जैसे कि सब ने कहा है कि लेडी लक और फिल्म इंडस्ट्री में लेडी लक बहुत काम करता है कि अगर आदमी जब एक पुरुष के साथ जब औरत का साथ जुड़ जाता है तो वो डे बाय डे तरक्की करता जाता है। तो बस मैं यही कहूँगा कि हमेशा अपना औरत का साथ कभी ज़िंदगी में मत छोड़ना और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ और दुबई के अवार्ड के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जितनी बार नमाज पढ़ते उतना बार दुआ करना नहीं। सर गौरव शाह हमारे DPIF के यूथ प्रेसिडेंट नेशनल, नमस्कार। सभी लोगों ने इनके बारे में बता दिया है, अभी मैं क्या बोलूँ, दो शब्द खाली बोलना चाहता हूँ। अंकिता जी को और उनके रंजन जी की शादी की सालगिरह हार्दिक शुभकामना देता हूँ और उनके जन्मदिन हार्दिक शुभकामना देता हूँ। 19 तारीख उनका जहाँ शादी से हम लोग दुबई में थे, आने वाले अवार्ड शो के लिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग, बस वही चाहता हूँ कि तुम सभी लोग हमारा अवार्ड शो के लिए आशीर्वाद दो हमारा और फिर से बोले, धन्यवाद। क्या संजू बाबा सर
संजू बाबा अपने स्टाइल में। सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई हो जन्मदिन की अंकिता जी और कल्याण जी आपको, शादी की बहुत एनिवर्सरी की मुबारकबाद दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात कि आप दुबई में बाबा साहेब फाल्के अवार्ड कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। आज तक मतलब यहाँ तो अवार्ड उनके काफ़ी हुए बट अब इंटरनेशनल अवार्ड नहीं, पहली बार हो रहा है। यस, और दुबई हम तो आना जाना बहुत लगा रहता है। दुबई के दो किंग जुड़ गए। तो दुबई में जो 27 जुलाई को हो रहा है, हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आप ये, और थोड़ी देर पहले बोली थी मनोज जी ने कि आप दिल से बात करते हो, वाकई में बहुत दिल से बात करते हो, दिल के राजा इंसान हो। बहुत बहुत सारी बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू। ये बैरू जैन है जो DPIF के नेशनल प्रेसिडेंट है, मेरे भाई है, मेरी जान है, और मेरी वाइफ ने एक नाम भी दिया है, अर्धांगिनी। जी, मैं सबसे पहले भाई और दीदी को शादी की सालगिरह मुबारक करता हूँ। भगवान इन्हें ऐसी खुशियाँ दे और हर जन्म में साथ बना रहे, और जन्मदिन की बहुत शुभकामना देता हूँ। बस यही आशीर्वाद सबका बना रहे। थैंक यू। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरे दोस्त कल्याण जाना को हैप्पी बर्थडे टू यू, मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पहली बार दादा साहब फाल्के अवार्ड आइकॉन जो कि दुबई में होने जा रहा है, और कल्याण जाना जो इसको अरेंज कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है इंडिया टीम को। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि हम इंडियंस जाके दुबई में वहाँ सिखों के बीच में, वहाँ बहुत सारे इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, क्योंकि मैं 20 साल से दुबई में रहता हूँ। मेरे दोस्त आयुष जडेजा वहाँ रहते हैं, हमारा वहाँ एक छोटा सा इवेंट्स कंपनी है, हमारा बस इससे चल रहा है। लेकिन कल्याण जाना से जब मेरी मुलाकात हुई और जब मैंने सुना कि ये अवार्ड वहाँ कर रहे हैं एक साल पहले, तब मुझे यकीन नहीं था कि ये बात, ये कारवां वहाँ तक पहुँच जाएगा, और इन्होंने पहुँचा दिया। मैं प्राउडली कह रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरा जितना भी योगदान है, जितना भी सपोर्ट है, जितने भी मेरे कॉन्टेक्ट हैं, मैं पूरी कोशिश करके इस अवार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस बनाऊँगा, सफल बनाऊँगा, और मेरी कोशिश है कि सबको अवार्ड मिले। इसी साथ थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं राजू चौहान। मैं जाना भाई को जब से जानता हूँ, जब शुरुआत हुई थी, और मैं आज उनको शादी की सालगिरह का हार्दिक शुभकामनाएं, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और दुबई में जो शो हो रहा है, अवार्ड जो कर रहे हैं, उनके लिए सफलता। सभी लोग उनको सपोर्ट करें और बैक से इनको काटने की कोशिश ना करें। बस दो ही लाइन कहना चाहूँगा, आपने जाना, हमने जाना, यहाँ पर सबने जाना, वो है अपना बड़ा भाई कल्याण जी जाना। और आने वाले 27 जुलाई को जो शो हो रहा है दुबई में भाई का, वो सबसे बड़ा शो है, और हम दिल से प्रार्थना करते हैं कि बहुत ही अच्छा जाए, बहुत ही अच्छा जाएगा, पूरा कमांड। और सबसे अच्छा गाना, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे कल्याण जी जाना, हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी कल्याण जी आएगा, अभी कल्याण जी आएगा। संजय भाई, हाँ, मैं चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि दुबई में अवार्ड कर रहे हैं, बहुत बड़ा एक अचीवमेंट आपके लिए, बहुत बड़ा एक सबसे पहले मेरे तमाम मीडिया को मैं नमन करता हूँ, सर झुका के मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे साथ जितने भी मेरे साथ गेस्ट आए हैं, उन सभी गेस्ट को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि इस मुंबई शहर भागता हुआ, जगता हुआ, चलता हुआ शहर है, कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं है। उस शहर में अगर आपने टाइम निकाल के लोग मेरे पास इस बर्थडे पार्टी में, इस बर्थडे सेलिब्रेशन में, और मेरे शादी की सालगिरह में जो इन लोग आए हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि ये शहर जो है, इनके पास इस शहर में टाइम नहीं है, एक दुबई और एक मुंबई। तो थैंक यू सो मच मेरे तमाम मेरे मेहमान। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे DPIF के टीम को, मेरे भाई बैरू जैन को, गौरव शाह को, मैं लवली वाइफ अंकिता जाना को, पूरी DPIF के पूरी तमाम टीम को मैं नमन करता हूँ,
इसके अलावा जितने भी मेरे गेस्ट आए हैं, मैं बोलूँगा तो मैं रात हो जाएगा, तो सभी गेस्ट को मैं नमन करता हूँ। आपने पूछा मैं 27 जुलाई मेरे लिए 9 नंबर है और लकी नंबर है वो, और इस लकी नंबर को चुना है मेरी वाइफ ने, और इस नंबर को शायद मेरे लिए कुछ लिखा है उस नंबर, मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में चढ़ता सूरज जो है वो शायद उस नंबर मुझे देगा वो। क्योंकि किसी ने कहा है कल्याण जी तू दुबई जा रहा है, तू वहाँ पर होटल में तेरी फैमिली को लेके तू 6 महीना बर्तन साफ मत करना, तो मैं उनको मैं कह रहा हूँ सबसे पहले मैं बर्तन साफ नहीं करने जा रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान के टूरिज़्म को कल्चर को मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। 28 जो हमारा स्टेट है और 7 जो यूनियन टेरेटरी है, उस टेरेटरी उस उनके जो लोकगीत है, उनके जो कॉस्ट्यूम्स है, उनके जो टूरिज़्म है, मैं उनको रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ दुबई में। तो पहली बार एक इंडिया का बेटा वो अपने देश के कल्चर को, अपने देश के टूरिज़्म को रिप्रेजेंट करने जा रहा है, और हमारे हिंदुस्तान का जो बॉलीवुड है, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी कास्ट के हो या किसी भी लैंग्वेज का हो, वो बॉलीवुड का अगर जन्मदाता है उस फिल्म का, तो वो है हमारे माननीय श्री दादा साहेब फाल्के साहब, जिन्होंने पहला फिल्म बनाया राजा हरिश्चंद्र। उसके बाद ये कारवा बढ़ते गया, बड़े बड़े स्टार आए, बड़े बड़े लोग आए, मैं उन सभी को नमन करता हूँ, लेकिन दादा साहेब फाल्के को कहीं ना कहीं भूल चुका है लोग अपने नाम के। मैं किसी को नहीं बोलना चाहता हूँ जो दादा साहेब फाल्के को कौन भूला है, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ दादा साहेब फाल्के जी हमारा जन्मदाता है हमारे बॉलीवुड का, लेकिन उनके नाम का पहला शो दुबई हो रहा है, द फर्स्ट शो। यहाँ पे बहुत लोग करता है, बहुत लोग मुझे बोलता है कल्याण जी तुम दादा साहेब फाल्के को तुम यूज़ कर रहे हो, मैं उन तमाम लोगों को मैं बोल दूँ मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं दादा साहेब फाल्के को मैं जिंदा कर रहा हूँ, क्योंकि दादा साहेब फाल्के जी को आप लोगों ने उनका जो होना चाहिए वो दर्जा वो आप लोग कोई नहीं दे रहा है। हमारे जो यहाँ पर टीम है वो सब दे रहे हैं, DPI दे रहे हैं, क्योंकि दादा साहेब फाल्के जी का स्टैचू नहीं है पूरी भारतवर्ष में, हम लोग सर्वप्रथम बांद्रा में 15 फुट का स्टैचू लेके आ रहे हैं। FWIC हमारे माननीय मिनिस्टर रूपाला साहब, गोपाल शेट्टी साहब, MP उन सभी की दुआ से, BN तिवारी जी की दुआ से ये होने जा रहा है बहुत जल्द। दादा साहेब फाल्के जी के नाम का हम लोग ने भंडारा शुरू किया, जो उन्होंने घर घर तक खाना लेके आता था वो हमने सर्वप्रथम हमने शुरू किया, और हर रोज 12 बजे हमने खाना शुरू किया अंधेरी आदर्श नगर में। दादा साहेब फाल्के का फोटो वो तमाम पिक्चर हॉल में नहीं है, वो तमाम स्टूडियो में नहीं है, वो हमने रखा है। जो क्यों नहीं है, जब फिल्म शुरू होता है तब वो फिल्म जन गण मन अधिकारी के बाद उनकी फ़ोटो क्यों नहीं आता है, ये सब हम लोग कर रहे हैं, वो जो कोई नहीं कर रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। अगर उसके पीछे आप लोग पड़े रहो तो पड़े रहो, कोई बात नहीं है, अगर कोई बोलता है मैं यूज़ कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन दादा साहेब फाल्के को मैं लेके जा रहा हूँ दुबई, और मैं दुबई के धरती में UAE में, बेसिकली दुबई एक स्टेट है तो UAE हमारा कंट्री है, मतलब दुबई की वो कंट्री है जिसमें 7 स्टेट है, जिसमें से एक स्टेट है दुबई, वो दुबई में मेरा शो है, तो वो 7 स्टेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इंडिया के 28 स्टेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बेसिकली मैं दादा साहेब फाल्के को पूरी स्टेट में, पूरी कंट्री में मैं फैला रहा हूँ दुबई में, UAE में, तो ये मेरा काम है। दादा साहेब फाल्के को जितना हो सके बाहर देश में मैं लेके जाऊँ, मैं दुनिया को बोलूँ यस ये इंसान है जिन्होंने पहला फिल्म बनाया था राजा हरिश्चंद्र, उसके बाद तमाम बॉलीवुड स्टार बना, चाहे दिलीप साहब बने, चाहे वो राज कपूर साहब बने, चाहे वो अमिताभ साहब बने, चाहे वो सलमान खान साहब बने, चाहे वो कोई भी स्टार बने, लेकिन बना तो पहला वो है दादा साहेब फाल्के साहब। लेकिन उनको हम सब मिलकर अभी इज्जत देना है, उनको नमन करना है, उनके लिए हमें जो भी मैं बोल रहा हूँ आप लोग को सिर्फ साथ देना है, मुझे पैसा नहीं चाहिए आप लोग का, सिर्फ मुझे आप लोग का साथ चाहिए। जैसा राजेश पुरी साहब हमारे बीच में आए हैं, राजेश पुरी साहब वो इतिहास है हमारे ये बॉलीवुड के, टीवी के वो बादशाह है, क्योंकि टीवी उनसे शुरू हुआ है। अगर टीवी कोई देखता है तो उनसे वो टीवी शुरू हुआ है, उनका नाम है राजेश पुरी साहब। थैंक यू सो मच दादा, आप यहाँ पे आए हो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये राजेश पुरी साहब है सर, आप प्लीज़ रुकिए यहाँ पर। मैं 27 को जो मैं करने जा रहा हूँ, जहाँ पे साहब भी मेरे साथ में आ रहे हैं, क्योंकि मैं इनको गुरु मानता हूँ, साहब आ रहे हैं, मेरी माँ आ रही है, और थैंक यू सो मच, क्योंकि दोनों को इसलिए मैं बुला रहा हूँ क्योंकि
मेरी माँ के बिना ये अधूरा है और इनके बिना मेरी माँ अधूरा है, तो इन दोनों को तो बुलाना ही पड़ेगा, ये क्योंकि एक को बुलाएगा तो वो अधूरा हो जाएगा। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मैं दो पीआरओ को मैंने चुना है यहाँ से, मैं अवार्ड दे रहा हूँ, जस्ट वन पीआरओ इज हिमांशु झुंझुनवाला, जस्ट सेकंड पीआरओ इज संजय भूषण पटियाला। मैंने सबको मैं आह्वान कर रहा हूँ, मैं खाली इतने ही बोल रहा हूँ, यार 27 जुलाई को जो मेरा शो हो रहा है, मैं सभी से हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे पीछे जो भी पड़े हैं पढ़ने दो, जैसे सलमान भाई ने मुझे बोला है जो कल्याण जी जान लगा देगा, तो सर ये जो करे ना करे लेकिन जो बोलता ना जान लगा देगा, सर उसी में ही दम है, उसी में मैं बहुत कुछ कर लेगा, उसी में मैं आग लगा देगा, लेकिन कम से कम तो कोई तो सामने आके बोले कल्याण जी मैं तेरा साथ हूँ। तो 27 को जो मेरा शो है ना, आज जो भी लोग मुझे मेरे पीठ पीछे बोल रहा है उन सभी को मैं बोल दूं, मैं 27 को मैं शो कर रहा हूँ दुबई में, कर रहा हूँ, चाहे मैं अपनी जमीन बेचूँ चाहे मैं घर बेचूँ, मैं 27 को मैं दुबई में शो कर रहा हूँ। आज जो भी मेरे पीठ पीछे बोल रहा है ना, जो उनकी बीबी, उनका बच्चा, उनका वो होटल में बर्तन साफ, वो ये बर्तन करेगा साफ, वो साफ करेगा, मैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ सुन लो मेरे बात, 27 को मैं शो कर रहा हूँ दुबई में और मैं इंडिया को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और वहां पे जो शो होगा उस दिन आपको मालूम पड़ेगा, जो कल्याण जी आग है आग के साथ मत खेलो, क्योंकि मैं बहुत गरीब से आगे बढ़ा हूँ, तो मेरे अंदर ना आग पूरा जल जल के जल पूरा राग हो चुका है, तो जितने भी मैंने जला हुआ ना सर, वो जलना अगर उसको छुओगे ना तो खत्म हो जाओगे, क्योंकि ये रो रो के जल जल के पूरा पूरा ज्वालामुखी वो बन चुका है, तो उसके पीछे मत पड़ो। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, बस इस आग के पीछे मत पड़ना, सलाह जल जाओगी, बस खाली इतना ही बोला। थैंक यू सो मच, हर हर महादेव, जय हिंद, लव यू। मैं से आ रहा हूँ, वो भी नए गाँव से, और वो भी इतनी बारिश में, ये आग की वजह से आया हूँ, क्योंकि इस आदमी में इतनी आग है सच में कि ये इतना प्यार है, और ये जहाँ से आया है और जहाँ जा रहा है, इसके सफ़र में हमेशा मैं इसके साथ हूँ। थैंक यू। मेरे तरफ से कल्याण जी जाना और अंकिता जाना को जन्मदिन और सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। आप दोनों कल्याण कई साल से इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार सुन रहा हूँ दुबई भी सबको लेके जा रहा है, तो उसके लिए पहले से मेरी शुभकामनाएं हैं। पूरे इंडस्ट्री यहाँ इनके साथ है, रोने की जरूरत नहीं है, कोई आएगा हम लोग देख लेंगे, टेंशन मत लीजिए। आइए आइए आइए, इतनी बड़ी टीम है, आ जाओ बेटा। एक दो लोग जो कल आते हैं वो लोग इसी साइड हो जाएंगे। अंकिता आज क्या गिफ्ट मिला कुछ बताइए। यही मेरे लिए गिफ्ट है, और क्या आशीर्वाद मिला आज, आज आपका ये सुन, इन्होंने आशीर्वाद लिया है। मेरे लिए गिफ्ट है, मेरी बर्थडे में मेरी माँ आई है गांव से, वो मेरे लिए गिफ्ट है। और हम दोनों के लिए गिफ्ट है मेरी डॉटर अविका। मैं वो मेरी जान है, माता जी को यहाँ बुलाइए, माता जी को आइए, पैर का प्रॉब्लम है, थोड़ा चढ़ नहीं पाते। एंड थैंक यू सो मच मीडिया, लव यू, आप आते हो अड्डा, आई लव यू अड्डा, अड्डा कैमरा इधर, अड्डा आई लव यू, थैंक यू बीएन, थैंक यू ऑल। एक आग इनके अंदर बहुत तगड़ी है, क्योंकि